आ गए हैं अपने रूम में, हमारा रूम। आज रूम दिखाते हैं, देखो रूम। अबे फैन भी ऑन हो गया था। ये देखो हमारा रूम थोड़ा मैसी हो रखा है, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, बस इतना देखो। ये देखो सामने मैं दिख रही हूँ। हाँ हाँ, इनको भी देख लो इनको। तो हम लोग फिर से रेडी हो गए हैं, मतलब फेस पे सिर्फ टचअप किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बिकॉज अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से वहाँ पे, रात संगीत वगैरह होता है ना, अच्छा होता है। तो और थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है, कॉफ़ी वगैरह बनाई थी तो कॉफ़ी पी ली हम लोगों ने, और अभी निकल रहे हैं। पता है मैं कुछ दूर रही हूँ, मिल नहीं रहा है, मिल गया। तो चलो ये सब चीज़ें हो गई हैं, अब हम लोग निकलने वाले हैं। बाकी क्या कर रही है, पापा सब खेल रही है, और ये मम्मी देखो यहाँ पे लेटी हुई है, और पानी की बोतल ले चल रही है ना। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं शाम को। यहाँ पर आप लोगों को रात का नज़ारा दिखाने, क्योंकि मॉर्निंग का मैं दिखा चुकी थी, बट नाइट में हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि की वजह से यहाँ पे जल्दी ही महालोक खाली करा दिया गया था। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर आप लोगों को रात का नज़ारा कॉरिडोर का नहीं दिखा पाए, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए तो शिवरात्रि वाले दिन भी कॉरिडोर बंद था, तो हम लोगों ने मॉर्निंग में दिखाई दिया था। गए तो इसी से थे कि शाम को दिखाएंगे, बट नहीं हो पाए। लोग आ गए हैं अगेन यहाँ पे दर्शन करने, बट ये है यहाँ का रात का नज़ारा। सुबह पिक्चर क्लिकिंग कर पाए थे, मैंने कहा चलो अभी कर लूँ, क्योंकि सुबह दर्शन करना ज़रूरी था। अभी आए हम लोग यहाँ पर दर्शन करने और रात का कॉरिडोर पूरा घूमने, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं घूम पाए थे, बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, धूप हो रही थी, जाना भी था, थक गया इसलिए। ये है कुछ रात का नज़ारा, मॉर्निंग का मैंने दिखाया था, ये रात का नज़ारा है कुछ इस तरह का। इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ हम लोगों को शाम को यहाँ पर राष्ट्रगीत होता है, तो उसमें आना था, हम लोगों को देखना था कि किस तरह से होता है, क्योंकि सब चीज़ें देखने में ना अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग शाम को आए थे। हम लोगों ने बस यहीं पर कुछ रील्स बना ली, क्योंकि महालोक जब हम लोग पहुँचे थे तो 9:15 तक बंद करा दिया गया था, पूरा खाली करा दिया गया था, तो इसलिए हम लोग कॉरिडोर जा ही नहीं पाए। तो वैसे अच्छा हुआ हम लोगों ने मॉर्निंग में कर लिया था, आप लोगों को दिखा भी दिया अच्छे से। बज रहा है अभी 9:15 हुआ है ऐसे, और आज अभी बस भगवान की दया से हम लोगों को मॉर्निंग में हर चीज़ टाइम पर अच्छे से हो गई, क्योंकि शिवरात्रि के दिन दर्शन भी हो गए, कॉरिडोर हम लोगों ने मॉर्निंग में ही घूम लिया था, पता भी नहीं था कि शाम को बंद हो जाएगा। तो अगर हम लोग शाम को, पहले सोचा था कि शाम को करेंगे, बट शाम को बंद हो गया, अच्छा हुआ हम लोगों ने मॉर्निंग में ही कर लिया था। तो कॉरिडोर भी मैंने मॉर्निंग में घुमा दिया, कॉरिडोर का वीडियो आप लोगों के साथ में सेपरेट आएगा, तो अभी तो ये व्लॉगिंग चल रही है, सेपरेट कॉरिडोर का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कमिटी यहाँ पर रूम बना रही है अपना, अकेले रूम बना रही है, कह रही मैं अकेले रहूंगी, किसी की जरूरत नहीं है। ये देखो कैसे घर बना रही है, घर बना रही हो,
और देखो कितने अच्छे से घर बना रही है, बस यही सही है। चार कमरे नीचे बन गए देखो, चार कमरे। ये देखो अभी एक और ढूंढ रही, पता नहीं क्या, एक ऊपर से और 5 फीटे हो गए बस। चलो 5 फीटे लगाए जाते बेटा, बस बस चलो हो गए। ये टेरेस बन गई, आ जाओ, बन गई टेरेस, बन गई ना, चलते हैं। चार कमरे बनाए, ऊपर से दो टेरेस के लिए टेरेस दिए ना, है बोल है। आज भोलेनाथ की मेहंदी है, मेहंदी वाला दिन दर्शन किया हम लोग। तो पोहा तो बहुत टेस्टी था, और भोपाल का पोहा वैसे भी फेमस है, और भोपाल का पोहा और मुंबई का कांदा पोहा ये बहुत फेमस है, क्योंकि मैंने दोनों ही खाए हैं, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। मैं कांदा पोहा घर पे बना लेती हूँ, और ये वाला पोहा जो होता है थोड़ा सा हल्का सा मीठा टाइप का लगता है, बाकी दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो ये है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, ये देखिए पापा भी खाना खा रहे हैं। काल चौराहा है, महाकाल चौराहा के बिल्कुल आपको राइट आना है, बिल्कुल सीधे आना है, और फिर राइट में ही आपको फिर से आना है, ये गली के अंदर पड़ता है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। मैं यहाँ के वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ यहाँ का जो खाना है इतना टेस्टी, आप पूरे यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के जितने भी आसपास जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी होटल हैं, कहीं भी इतना टेस्टी खाना कहीं नहीं है, और रीज़नेबल प्राइस में नहीं है, क्योंकि हम लोगों को खाना चाहिए था प्योर वेज एंड विदाउट अनियन एंड ये सारी चीज़ें चाहिए थी, मतलब तो सारी चीज़ों का बिल्कुल ठीक खाना मिला है मुझे, बिल्कुल परफेक्ट मिला है, और 70 रुपीज़ में, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने रेस्टोरेंट देखे, सब जगह देखे, कहीं भी नहीं मिला है, मतलब मैंने इसलिए वीडियो बना दी है, हम लोगों की तरह परेशान ना हो यहाँ आकर, क्योंकि हम लोग पता है सुबह से हम लोगों ने खाया, उसके बाद में वहाँ पेट नहीं भरा, क्योंकि उनकी जो थाली थी वो रोटियाँ जो थी बहुत पतली, मतलब पेट ही नहीं भरा उनके खाने से। बट यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे 70 रुपीज़ में खिलाया है, सिर्फ 70 रुपये में, और इतना टेस्टी खाना था, पेट इतना ओवरलोडेड भर गया मेरा कि मैंने, सच बताऊँ तो मैंने एक रोटी बचा ली है, वो बाहर डॉग, क्योंकि वेस्ट करने से अच्छा है एक रोटी बच गई है वो बाहर में डॉगी को दे दूँगी। चलो खाना तो मेरा पेट बहुत ही अच्छा खाना है, मतलब ये लोग इस तरह से नहीं है कि नहीं भर भर के रख ले रहे लोगों को, जितना नहीं हो पाया तो मना कर रहे हैं सीधे कि नहीं हो पाएगा, अभी टाइम लगेगा इनका डमरू। तो चलो अब चलते हैं घर, खाना भर गया है। खाना देखो सबको मैं रिव्यू दिलाती हूँ, सबको खाना कैसा था बताएंगे पापा, पापा खाना कैसा था, टेस्टी था, खाना कैसा था मम्मी, खाना कैसा था यहाँ का, बहुत टेस्टी, रुपए में, जो कि पूरे यहाँ पर मंदिर के आसपास कहीं नहीं मिलेगा आपको, सब आपको बहुत ही टेस्टी में। ये देखो यहाँ पड़ता है, ये रहा है इस साइड महाकाल चौराहा है, यहाँ से राइट आएँ देन यहाँ पे फिर राइट आएँ, सामने पड़ रहा है नंदी होटल, नंदी होटल के डायरेक्ट सामने ये गली गई है, और यहाँ से बिल्कुल 70 रुपये में ये खाना मिलता है, आपका अपना शुद्ध शाकाहारी है, छोटा सा बट खाना बहुत था, 70 रुपीज़ में खिलाया था, मैं इसलिए बता रही हूँ उसे बार बार कि कोई परेशान ना हो मेरी तरह यहाँ पर, इसलिए चलते हैं बाहर। अब चलेंगे बाहर, घर चलेंगे, घर मतलब होटल, वहाँ पर रुकेंगे, सुबह हम लोग को दर्शन करना है फिर से। ये देखिए रात के बज रहे हैं 11:30, तब भी ये हाल है 11:30 बजे। तो ये सारे होटल हैं यहाँ पे बने हुए, बट मंदिर से दूर पे आप लोगों को मिलेंगे, बहुत दूर पे जाके आसपास कोई होटल भी खाली नहीं था। बुलाने गया था उसको, कह रहा है खा लो आकर, बात मैं और बता रही हूँ कि कल है शिवरात्रि, और शिवरात्रि कल है, और आज हम लोगों को दर्शन हो गए थे, बट शिवरात्रि कल है ना,
इसकी वजह से यहाँ पे पता है होटल एक भी नहीं मिल रहे हैं, एक भी होटल नहीं मिल रहा है, चाहे 5,000 का ले लो चाहे 10,000 का ले लो कोई होटल नहीं मिल रहा है। मतलब कल आ गए थे ठीक समय, 5-6 समय पर आ गए थे, बट आज तो किसी भी हालत में कोई भी होटल नहीं मिल रहा है, कोई भी 5,000 का भी नहीं मिल रहा है, 10,000 का भी नहीं मिल रहा है, ये सब फूल हो गए हैं। कल शिवरात्रि है इसलिए एक भी होटल नहीं मिल रहा है, लोग सड़क पे सो रहे हैं, लोग भारत माता मंदिर जो अंदर बना हुआ है वहाँ पे पार्क है उसके अंदर बिछा के ऐसे ठंड में सो रहे हैं, पता है आज तो होटल ही नहीं मिल रहे हैं कहीं। नहीं, जितने आप देख रहे हैं ना सब फुल है, सब फुल है, एक भी होटल नहीं खाली है। ये देखिए ये होटल है, यहाँ जितने लाइन से लगे सारे होटल फुल है, सारे होटल। टाइम पर कल मिल गया था, सही टाइम पर, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए थे, करेक्ट टाइम पर मिल गया था, वरना आज आते तो कहीं ना मिलता। सड़क पे सो रहे कितने लोग वहाँ पर, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे, क्योंकि मेरे ब्लॉग के पर्पस से किसी को पता चल सके, किसी की हेल्प हो सके, क्योंकि अब गए हैं तो इतना मुझे पता चला है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि काल है, शिवरात्रि वाले दिन अगर आपको दर्शन करने तो उसके भी पहले आ जाइए, ले लीजिए होटल वगैरह, अदरवाइज शिवरात्रि वाले दिन या फिर 2 दिन पहले आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1 दिन पहले तो कहीं मिलने ही नहीं है, एक भी होटल नहीं मिल रहा है, सब सो रहे हैं सड़क पर। ये देखिए जितने होटल हैं यहाँ पर लाइन से, ये देखिए बिकॉज कल शिवरात्रि है तो इसलिए आज सारे होटल ही में लाइट्स है, क्योंकि सारे जितने भी यात्री हैं सब रुकना चाहते हैं, जितने भी भक्त हैं सबको दर्शन करने हैं, इस वजह से के सब फूल है इस टाइम पर, तो सभी फूल हो गए, एक भी नहीं खाली, सारे फूल है। तो अभी हम लोग चलते हैं होटल, होटल में चलते हैं, करते हैं रेस्ट, पीछे बच्चे देख रहे हैं कह रहे हैं ये यूट्यूबर है, क्योंकि जब ऐसे ब्लॉगिंग करो अकेले ही बात करो ना तो लोग पलट पलट के देखते हैं कुछ लोग कि अकेले क्यों बड़बड़ा रही है ये, बट आजकल का ज़माना है सब जानते हैं सोशल मीडिया यूज़र है इसलिए तो इतना कोई माइंड नहीं करता है, बट आप थोड़े लोग हैं जो सोचते हैं कि अकेले क्यों बड़बड़ा रही है। तो चलो अभी आते हैं हम लोग होटल, यहाँ से बस थोड़ी सी दूर पे बताती हूँ, वो वहाँ दिख रहा है ना ये, बस यही होटल है हम लोगों का, यहाँ चलते हैं अंदर, यहाँ से मेरी फिंगर बस ये जो जहाँ रुक रही है ये बस यही है हम लोगों का। सो गाइस ये सब शिवरात्रि के टाइम पे व्लॉग हैं, पर मैंने बना लिया था, अपलोड नहीं किया था, अपलोड मैं अभी कर रही हूँ, आई नो थोड़ा लेट हो गया, तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय गाइस।